हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टर करना हर क्लास में बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स के अंदर आप अगर फैक्टर्स करना नहीं जानते हैं, अगर आपको फैक्टर नहीं पता है या थोड़ा बहुत पता है, तो आप हमेशा मैथ्स में स्ट्रगल करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाला हूँ फैक्टर करने के। देखिए, अगर मैं बात करता हूं फैक्टर की, तो फैक्टर जो है वो कितने टाइप से किए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप है, आप लिख लीजिए कॉपी पे, टाइप वन। और वो टाइप वन है कि आप कॉमन ले लीजिए और फैक्टर हो जाएगा। आप क्या करिए, आपको कॉमन लेना है, फैक्टर हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब, अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दूं, जैसे कि मैंने लिखा 2x² प्लस का x, ये एक पॉलिनोमियल है। यू नो वेरी वेल द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें से आप सिर्फ कॉमन ले लीजिए, क्या करिए, कॉमन। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स के कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। यानी कि अगर मैंने इन दोनों टर्म्स में से, ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लिया, इसका ये मतलब हुआ कि पहली वाली टर्म को मैंने x से डिवाइड किया और दूसरी वाली टर्म को भी मैंने x से डिवाइड किया, यानी कि x बाय x। सिंपल है, हमेशा याद रखिएगा कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। आप चाहें तो वापस x को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, तो वही हमारा पुराना क्वेश्चन आ जाएगा, पिछला स्टेप आ जाएगा। ओके, यहां पर हम लिखेंगे x, फिर ब्रैकेट ऑफ। देखेंगे आप गौर से तो यहां पर x की पावर 2 है और यहां पर x की पावर 1 है। डिवाइड में पावर घट जाती है, अगर सेम बेस हो तो यहां बचेगा 2x, और ये x से x कैंसिल भी कर सकते हो, और 1 1 पावर है तो घट जाएगी, तो x की पावर 0 बचेगी, तो यहां पर बचेगा 1, किसी भी संख्या की पावर 0 आंसर। तो देखो, कॉमन करने से ये वाला क्वेश्चन के फैक्टर्स हो गए, दो फैक्टर्स है, एक ये और एक ये, इसे ही हम फैक्टर करना कहते हैं। अब ये फैक्टर हम करते क्यों हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। हमें कोई भी इक्वेशन मिलती है, हम उसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई भी इक्वेशन आपके सामने हो, आप उसे इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो फैक्टर करने का मेन पर्पज ये है कि उसके जीरोज को तलाशना। यानी कि जैसे यही एक क्वेश्चन दे रखा था 2x² प्लस का एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे ये बताना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसपे कि यहां रखने के बाद आंसर जीरो आ जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो फैक्टर मतलब जीरोस को ढूंढना। तो दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो, और एक हमारे पास आ गई, ये देखिए 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि x इज इक्वल टू -1/2। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, ये वाली उठा के रखेंगे, ये वाली उठा के रखेंगे, दोनों से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको, आप रख सकते हैं उठा के। देखिए यहां पर रखिए आप, जीरो रखिए, 2 ब्रैकेट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस का 0, आंसर 0 ही आएगा। देखो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आप -1 रख दीजिए, 2 ब्रैकेट ऑफ -1/2 का स्क्वायर प्लस का -1/2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1/4। देखो भाई, पावर में जो है इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसे कट कर देंगे तो एक संख्या तो प्लस का 1/2 और एक संख्या माइनस का 1/2। तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया, फैक्टर करने का एक टाइप होता है, और वो टाइप क्या है, वो टाइप सिंपल है कि कॉमन ले लीजिए। लेकिन हर जगह हर क्वेश्चन में तो कॉमन नहीं आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप दूसरे टाइप के पास जाएंगे, टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड ये कहती है कि आप फॉर्मूला लगाइए, एल्जेब्रिक फॉर्मूला, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कह सकते हो या फॉर्मूला। ओके, अब एल्जेब्रिक फॉर्मूला कैसे लगता है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया एक क्वेश्चन दे रखा है x² - 9। यू नो वेरी वेल, आपको पता है x² - 9 के फैक्टर्स कैसे करेंगे। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, एक आइडेंटिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए, a² - b², और इस आइडेंटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम लिखते हैं a + b और a - b। ये आइडेंटिटी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आपने यहां अभी अभी लिख के मैंने दिखाई है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ये एक आइडेंटिटी है जो कॉमन आइडेंटिटी है और बहुत ज्यादा यूज होती है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को और देखेंगे इस आइडेंटिटी को, आप इन दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे।
यानी ए स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, बी स्क्वायर की जगह पर नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, यहां नाइन लिखा हुआ दिख रहा है तो नाइन को लिखिए माइनस का थ्री का स्क्वायर, क्योंकि थ्री का स्क्वायर भी नाइन होता है। एक जैसा बन गया, लेफ्ट वाला हिस्सा हमारा क्वेश्चन बन चुका है, तो राइट वाला हिस्सा हमारा आंसर होगा, हम लिखेंगे एक्स प्लस का थ्री और एक्स माइनस का थ्री। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जिसमें एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगाया जा सके या जिसमें कॉमन लिया जा सके। तो फिर तीसरा मेथड होता है हमारे पास, और तीसरा टाइप जो है उसका नाम है हमारे पास क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज होता है, लेकिन समटाइम्स इसे आगे भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यूज तो क्वाड्रेटिक के लिए ही करेंगे, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक या और कोई पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं। ठीक है, तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करेंगे और यूज द फॉर्मूला, है ना, और कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला। यस, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी करके देखते हैं। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले लगेंगे, ये भी और ये भी लगेगा, ये यूज होगा या ये यूज होगा, दोनों के दोनों कहां यूज होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज होते हैं। अब एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स प्लस का सिक्स, ये एक एग्जाम्पल है। तो आप देखेंगे इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, कैसे करना है, देखिए आप सिक्स की मल्टीप्लाई पहले कराएंगे कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, जो कि कुछ भी नहीं दिख रहा तो वहां पर एक लिखा हुआ है, तो वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू सिक्स। अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आ जाए, और जिनको ऐड करें, ऐड इसलिए क्योंकि पीछे वाला निशान देख रहे हैं, तो ऐड करें तो आंसर फाइव आ जाए, याद रखिएगा पीछे वाला ही निशान देखा जाता है। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है थ्री और टू, मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिक्स आएगा और जोड़ेंगे तो फाइव आएगा। तो आप इसे लिखेंगे, पूरे क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, इसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का इस फाइव को स्प्लिट कर देंगे, यानी कि इसको अलग अलग कर देंगे, लिखेंगे थ्री प्लस का टू ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स प्लस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। कैसे सॉल्व किया, एक्स की मल्टीप्लाई करा दी सिंपली। अब इसमें से आगे वाली दो संख्याएं अलग कर दीजिए और पीछे वाली दो संख्याएं आप अलग कर दीजिए, इस तरीके से कुछ। ओके, और कॉमन लेना मैंने बताया था, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। अब आप देखेंगे तो एक्स प्लस टू एक फैक्टर हो गया और एक्स प्लस का थ्री एक फैक्टर हो गया, और ये फैक्टर करना ज्यादातर स्टूडेंट्स को आता होगा, नहीं आता तो मैंने बता दिया, लेकिन हर बार ऐसे फैक्टर्स हो जाए जरूरी तो नहीं है। अगर इस पांच की जगह पर मैंने चार लिख दिया होता, प्लस का चार एक्स प्लस का छह बराबर जीरो, तब क्या करेंगे, तब इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर्स जब करेंगे तो ध्यान रखना, आपको चेक करना होता है कि वो फैक्टर्स जो है वो कंडीशंस रियल वैल्यू है या इमेजनरी, क्योंकि आज मैं फैक्टर्स बता रहा हूं तो मैं रियल भी बताऊंगा इमेजनरी भी बताऊंगा, इमेजनरी कंडीशन क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लेके चलता हूं, और कौन से वाले फॉर्मूले के, डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला, है ना। तो इसके लिए हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स एंड माइनस का सिक्स, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स एंड प्लस का सिक्स। ये दोनों ही क्वेश्चन को अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट से करें, यानी कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके आप निकालना चाहें, जैसे कि छह के फैक्टर्स करेंगे थ्री इंटू टू इंटू वन होता है, अगर आपको घटा के चार लेके आना है तो कोई तरीका नहीं, इसी तरीके से जोड़ के चार भी नहीं आ सकता। तो इसको हम दोनों को एक फॉर्मूले से करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है उसको पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। अगर आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो दे रखा है, तो आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। सिंपल सा फॉर्मूला है आपके सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम इसमें कंपेयर करते हैं ए कौन है, तो ए की वैल्यू है वन,
बी की वैल्यू है 4 एंड सी की वैल्यू है माइनस का 6। आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस का 4, देखिए माइनस का 4 आएगा ना, b की जगह पर 4 आ गया, माइनस का 4 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, और c की वैल्यू माइनस का 6 है। तो आप देखेंगे गौर से तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू 1 आएगा भाई, ये है 2 इंटू 1, ठीक है ना, 2a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू 1 है। x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस, 4 4 जा 16 होते हैं और 6 4 जा 24 होता है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि देखो माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 0, और यहां जाएगा आपके पास 4, तो रूट ऑफ 40 आ जाएगा अपॉन में 2। आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से, इस 40 के फैक्टर्स कर लीजिए, जैसे कि इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 20, फिर प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 10, फिर प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 1, तो प्राइम फैक्टर्स करते चले जाइए, ये आएगा, तो ये पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया और सॉल्व कर लेंगे। मैं इसे पूरा करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसके बाद का स्टेप जो है वो क्या होगा, माइनस का 4 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 10 अपॉन में 2, 2 कॉमन लेके नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 10। तो देखो x की दो वैल्यूज आई, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो 10th स्टैंडर्ड तक के फैक्टर्स में तो यही होता है, इसमें रियल वैल्यू निकल के आई है, ये रियल वैल्यू है। अगर हम इमेजनरी वैल्यू की बात करते हैं, इमेजनरी वैल्यू कैसे निकलती है, उसके लिए यहाँ आ जाइए। ए की वैल्यू आपके सामने क्या है, ए की वैल्यू आपके सामने है 1, बी की वैल्यू है आपके सामने 4 और सी की वैल्यू है 6। आप देखेंगे फॉर्मूला सेम यही लगाना है आपको, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 माइनस 24। अब गौर से देखिए तो आपको दिख जाएगा कि यहां पर रूट के अंदर माइनस का 8 आ गया, रूट के अंदर माइनस का 8, और रूट के अंदर माइनस आते ही आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े होंगे तो नॉट डिफाइंड बोल दिया जाता था क्योंकि इमेजनरी नंबर वहां नहीं सिखाया जाता, बट यहां पर आप सीख लीजिए इमेजनरी नंबर भी होता है, इमेजनरी नंबर। तो इमेजनरी नंबर क्या होता है, इमेजनरी नंबर होता है रूट ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा, दिस सिंबल इज कॉल्ड आयोटा, IOTA, आयोटा, ओके, इस सिंबल को दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा रूट के अंदर माइनस का 2, तो आप कहेंगे सर ये लिखा है माइनस 1 इंटू 2, तो माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो आयोटा बनेगा, 2 बाहर आ नहीं सकता, रूट में ही रहेगा। मैंने कहा रूट के अंदर माइनस का 4, तो आपने कहा सर ये लिखा है माइनस 1 इंटू में 4, तो माइनस 1 को बाहर निकालेंगे आयोटा बनेगा, और 4 को भी बाहर निकालेंगे तो 2 बनेगा, तो 2 आयोटा हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन में चलते हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन में भी यही है, आप देखेंगे तो माइनस का 8 है तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, आयोटा बन जाएगा, माइनस 4 प्लस माइनस आयोटा, और इस 8 के फैक्टर्स करेंगे तो बनेगा 2 रूट 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में 2, 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस आयोटा रूट 2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक कितने तरीके सीखे फैक्टर करने के, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैंने सिखाए तीन मेथड, अभी तीन टाइप, पहला कॉमन लेके भी फैक्टर्स हो जाते हैं, दूसरा एल्जेब्रिक फार्मूला लगा के भी फैक्टर्स होते हैं, तीसरा मिडिल टर्म स्प्लिट, और इसी के साथ एक ऑप्शन है और उसमें मैंने बताया अगर इससे नहीं होता तो फिर हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूले में भी दो पार्ट थे, एक रियल और एक इमेजिनरी। अब हम चलते हैं चौथे टाइप के पास, टाइप 4। अब टाइप 4 क्या है, यह है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में भी दो मेथड है और यही आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, डिवीजन मेथड में प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है, ये सारे टाइप्स तो जनरली स्टूडेंट्स को आते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस लेते हैं और फिर इस चीज को समझते हैं कि कैसे करेंगे डिवीजन और किस तरीके से होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जैसे कि पहले वाले को मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट से करने के लिए कहा है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो आपको भी सिखाई दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे 12 आएगा, ऐसी संख्या ढूंढिए कि प्लस का 7 लेके आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और जोड़ें, ये देखो पीछे प्लस का निशान है, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, पीछे का निशान देखेंगे, प्लस का 7 लेके आए, तो ऐसी संख्या होती है 4 और 3, माइनस नहीं देखेंगे, आगे वाला निशान नहीं देखते, तो 4 और 3 है तो इसका मतलब 12x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 3x प्लस का 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर
ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, आगे वाली संख्या में से कॉमन आ जाएगा 4x, तो बचेगा आपके पास 3x माइनस 1, पीछे वाली संख्या से 1 कॉमन आएगा 3x माइनस 1, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 1 बाहर आ जाएगा 4x माइनस 1। आई थिंक आपको फैक्टर करना आता होगा, नहीं आता तो स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख दिया है, आप इसे सीख सकते हैं। दूसरे वाले में देखिए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और अगर हमें ऐड करें तो ऐड करने पे हमारे को 7 मिले, तो ऐसी कौन सी संख्या होती है 6 और 1, तो आप लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 7 को लिखेंगे 6 प्लस 1x प्लस का 3। कई स्टूडेंट ये स्टेप नहीं लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मत लिखिए स्टेप, मैंने आपको लिख के दिखा दिया, आप इसे स्किप कर जाइए, अगला स्टेप लिख लेते हैं कई स्टूडेंट इस तरीके से 6x प्लस का x प्लस का 3, डायरेक्ट ये स्टेप भी हो जाता है, ये भी ठीक है, और दोनों लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे यहां से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस का 3, यहां पर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे x प्लस 3, जिसके पास कुछ कॉमन नहीं होता वहां से 1 ले लेते हैं। अब यहां से दोनों संख्या में से x प्लस का 3 कॉमन है, तो फाइनली फैक्टर्स हो गए, और मैंने कहा था फैक्टर्स मतलब इसके जीरोस को तलाशना, यानी कि इस किसी भी पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 रखेंगे और जो भी यहां से x की वैल्यू निकल के आती है वो उस संख्या को सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं इसे इक्वल टू 0 रखूं तो x बराबर जैसे मैंने लिख दिया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/3 आएगी, 1/3 यहां रखो, आंसर पूरा का पूरा 0 ही आएगा, हमेशा आता है, ठीक है, जीरोस ही इसका सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है। अब चलते हैं हम अपने डिवीजन मेथड के पास, इस वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं और ये चौथी टाइप है और फिनिश। इसके बाद आपको फैक्टर्स कभी सीखने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने ये क्वेश्चंस कॉपी पे लिखे हैं, सिर्फ देखे नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा लिखना था। इसको हम दो मेथड से करने वाले हैं। पहला मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरा मेथड है सिंथेटिक मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स ये दोनों मेथड बहुत अच्छे मेथड हैं, दोनों सीखने जरूरी हैं। कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं, समझते हैं। देखो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर एक ऐसी संख्या जरूर होगी जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। अभी जो कांस्टेंट टर्म है इसके आप ऑल मल्टीपल्स ढूंढिए, यानी कि ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके पहाड़े में 5 आता हो, यहां पर फिलहाल 5 है तो 5 आता हो, 1 के पहाड़े में आता है यानी कि 1 की टेबल में 5 आता है, और 5 की टेबल में 5 आता है, हम प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे। हम ऐसी पहली संख्या ढूंढेंगे जो इस पूरी संख्या को जीरो करती हो। हमने एक्स की जगह पर 1 रखा तो यहां पर आया 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 1 और माइनस का 5, ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5, कभी भी 0 नहीं आ सकता, नॉट इक्वल टू 0, सिंपल। उसके बाद मैंने 1 से नहीं निकल पाया तो मैंने माइनस 1 रखने की कोशिश करी, x इज इक्वल टू माइनस 1, यहां पर रखने की कोशिश करते हैं माइनस 1 का क्यूब, फिर उसके बाद माइनस का 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू माइनस 1 और माइनस का 5। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 का क्यूब तो माइनस 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर भाई पॉजिटिव होता है क्योंकि पावर में इवन नंबर है, पॉजिटिव का 1 और 3 की मल्टीप्लाई माइनस का 3 होगा, माइनस और माइनस तो प्लस होता है तो प्लस का 9 आ गया माइनस का 5। अब गौर से देखेंगे तो माइनस का 5 माइनस का 3 और माइनस का 1 मिलकर माइनस 9 होते हैं, तो आंसर 0 आ गया, यानी कि x माइनस 1 ने इस इक्वेशन को 0 कर दिया। एक संख्या तो आपको ढूंढनी होगी और वो संख्या कैसे मिलेगी, आप पहले 1 रखिए फिर माइनस 1, 5 रखिए फिर माइनस 5, जो भी यहां पर कांस्टेंट होगा उसके और मल्टीपल्स ढूंढेंगे, कोई ना कोई तो स्टार्टिंग में संख्या मिलेगी जरूर, ठीक है। आपको ये मिल गई स्टार्टिंग में संख्या और आपने देख लिया कि x इज इक्वल टू माइनस 1 इसको पूरे को जीरो करता है, कौन जीरो करता है मैं बता देता हूं आपको, देखिए x इज इक्वल टू माइनस 1 इसको जीरो करता है तो इसे लेफ्ट में लेके आएंगे तो x प्लस का 1 इज अ फैक्टर, x प्लस का 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, नाइन्थ में भी पढ़ा था। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जो इसका फैक्टर है उसी से डिवाइड कर देते हैं। x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे हम किसको, x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 9x माइनस का 5 को।
और डिवाइड करने का भी एक प्रोसेस होता है। तो चलो मैं एक एक करके बताता जाऊंगा, समझते जाइएगा। यहां पर लिखा है x और यहां पर लिखा है x की पावर 3। हमेशा पहली संख्या को देखेंगे हमेशा, और याद रखना ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे बड़ी पावर, उसके बाद दूसरे नंबर की पावर, उसके बाद तीसरे नंबर की पावर, ऐसे छोटी छोटी पावर होती चली जाएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड में पहले से लिखा हुआ था। तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या दोनों की देख ली, आप एक्स का क्यूब अंदर वाली संख्या बाहर लिखेंगे यहां, और डिवाइड में एक्स जो है इसको नीचे लिख देंगे। सिंपल है, ये तो हर किसी क्वेश्चन में हो सकता है। आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि डिवाइड में पावर घटती है, तो 3 में से 1 या तो एक्स की पावर 2 बचेगी। इसे कट भी कर देते हैं कई स्टूडेंट, ठीक है। ये एक्स की पावर 2 जो है यहां लिख दीजिए ऊपर, और इस एक्स की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कराइए जो भी हमारा डिविजर था, एक्स प्लस 1 था। मल्टीप्लाई कराने का मतलब एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2, जब डिविजर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आएगा यहां लिख दीजिए, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2, आप अंडरलाइन कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, साइन चेंज करने चाहिए। उसके बाद जब इसके साइन चेंज कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 3x की पावर 2 और माइनस का x की पावर 2। याद रखना निशान जब बदल जाते हैं तो नए निशान को ही कंसीडर करेंगे। माइनस का 3x की पावर 2 और माइनस का x की पावर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जुड़ जाएगा और बड़ी संख्या का निशान लगेगा जो कि माइनस है। 3 और 1 होते हैं 4, तो 4x की पावर 2 माइनस का 9x माइनस का 5। अब क्या करेंगे, वही पुराना स्टेप फिर से रिपीट करते हैं। माइनस का 4x की पावर 2 और x, इन दोनों को हमें इस तरीके से लिखना होगा जैसे मैंने अभी बताया आपको। ओके, इसे हम रब कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखना होगा आपको, आपको लिखना होगा माइनस का 4x की पावर 2 अपॉन में x। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 और x से x कट जाएगा तो x बचेगा, माइनस का 4x बचेगा, माइनस का 4x हम इसे यहाँ आंसर में लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4x के साथ मैंने कहा था मल्टीप्लाई कराते हैं जो भी डिविजर है, तो x प्लस 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 4x² एंड माइनस का 4x, ये दोनों संख्या लिखी जाएंगी, माइनस का 4x² माइनस का 4x, अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया और ये दोनों के दोनों घट जाएंगे क्योंकि ये है माइनस का 9x और ये है आपको बताया मैंने क्या, प्लस का 4x। तो माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस का 5x माइनस का 5 होता है। फिर वही काम दोबारा से रिपीट करना है। यहां पर क्या दे रखा है, माइनस का 5x माइनस का 5x और यहां पर माइनस के 5x के बाद डिवाइड किससे करना है, इससे करने को कहा है मैंने, एक्स से डिवाइड करने को, तो आंसर क्या है, माइनस का 5। यहाँ माइनस 5 लिख दीजिए। अब जब माइनस 5 लिखा है तो इस माइनस 5 की मल्टीप्लाई करा देनी है किसके साथ, डिविजर के साथ। तो कितना आएगा माइनस 5 की मल्टीप्लाई करा के, माइनस का 5x और माइनस का 5। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर 0 बचा। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब ये कंप्लीट डिवीजन हो गया इसका। तो यानी के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना कि हमें फैक्टर्स ढूंढने थे, किसके, हमें फैक्टर्स अपने इस क्वेश्चन के ढूंढने थे, ये हमारा क्वेश्चन है, इसके फैक्टर्स ढूंढने। तो हमने कहा कि पहला फैक्टर तो हमने हिटन ट्रायल मेथड या रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लिया। रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं एक्स प्लस 1 पहला फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर डिवाइड करके निकाला, ये रहा दूसरा फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। अब जब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे, और मैंने कहा था अभी मैंने इसीलिए आपको सिखाया था, तो आंसर बड़े प्यार से आ जाएगा। आप इसे लिखेंगे मल्टीप्लाई करें, देखो 5 की 1 में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करें तो 5 आना चाहिए और माइनस करें तो 4 आना चाहिए, माइनस करें तो 4। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 1, या फिर एक्स और माइनस का 5। कई स्टूडेंट कहेंगे सर अभी तो समझ नहीं आया था, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसे एक्सपेंड करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का निशान, इस 4 के फैक्टर्स कर दीजिए 5 माइनस 1, 4 के फैक्टर कर दीजिए 5 माइनस 1, घटा के 4 लाना है ना, 5 में से 1 या तो 4 बचा, x बाहर ही रहेगा, माइनस भी 5 भी, सब कुछ वैसे ही कॉपी किया। अगले अगले स्टेप में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 2 माइनस का 5x, देखो ना x की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा माइनस 5। कई स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट कर लेते हैं, कई स्टूडेंट ऊपर वाला स्टेप कर ले, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, तो आ जाएगा x प्लस 1 और कॉमन क्या लिया आपने, x कॉमन लिया, तो x माइनस का 5, यहां पर प्लस 1 x माइनस का 5, बात समझ में आती है।
आगे बढ़ जाते हैं तो आगे है आपके पास x प्लस वन, और यहां पर दोनों वैल्यू सेम है तो x माइनस फाइव तो आएगा ही आएगा, प्लस का x प्लस वन भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तीन फैक्टर्स मिल गए। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्यूब है यानी कि अगर डिग्री थ्री है किसी भी पॉलिनोमियल की तो तीन ही फैक्टर्स होंगे। अब आपके सामने ये तीन अलग अलग फैक्टर्स होगा, ये दोनों सेम दिख रहे होंगे लेकिन फैक्टर्स तो तीन आए ना, तो यहां पर तीनों को जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स बराबर माइनस एक और एक्स बराबर माइनस का पांच आपका आंसर आ जाएगा। दो बार माइनस एक आ जाएगा, एक बार माइनस पांच आ जाएगा, प्लस का पांच सॉरी, ठीक है ना। ये तरीका है आपका करने का, बहुत सिंपल है, लेकिन हम इस मेथड से नहीं करेंगे। हम कौन से मेथड से करेंगे? हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी सेम आंसर आएगा। अब आपको मैं बताता हूं किस तरीके से सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो पहले हम इसको रब करते हैं, और इस दूसरे मेथड को आप हर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो पहले वाले का हमारा जो आंसर है वो यहां लिख देता हूं, एक्स प्लस वन से डिवाइड किया था तो हमारा फैक्टर बना था एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स माइनस का फाइव, और इसके फैक्टर्स हुए थे एक्स प्लस वन देन एक्स प्लस वन देन एक्स माइनस फाइव। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका था, फैक्टर्स करने आपको बता दिए। अब देखो सिंथेटिक मेथड क्या कहता है, डिवीजन मेथड। आपको सबसे पहले तो वही सेम प्रोसेस रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ने इसे जीरो कर दिया पूरे को, तो आप इस माइनस वन को लिखेंगे यहां, और उसके बाद मैं यहां क्वेश्चन दोबारा से लिख देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने सिंथेटिक मेथड में, यहां क्वेश्चन लिख देता हूं, यहां x की पावर 3 माइनस 3 x की पावर 2 माइनस का 9 x माइनस का 5। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं, पहले माइनस वन लिख देता हूं, ये मैंने माइनस वन, उसके बाद में क्या करने वाला हूं, उसके बाद में करने वाला हूं कुछ इस तरीके से, इन सभी के कॉफिशियंट्स लिखने हैं। कॉफिशियंट्स को हिंदी में कहते हैं गुणांक, गुणा करने वाली संख्या। जैसे कि एक्स क्यूब के साथ गुणा कौन कर रहा है, एक, कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा में है, माइनस का तीन। एक्स के साथ गुणा में कौन लिखा हुआ है, माइनस का नाइन, और फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस का फाइव, कॉन्स्टेंट। यहां तक सिंपल है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसके बाद आप अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से, ये भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा आपको। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा आपको क्या करना है। देखो पहले वाले को तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है डैश, खाली कुछ नहीं करना, ओके। अब आप समझिएगा, अगर मैं एक को और इस डैश को सॉल्व करूंगा तो नीचे आंसर आएगा वन, सिंपल है, वन सा, क्योंकि यहां तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। अब आपको करना यह है माइनस वन की मल्टीप्लाई वन के साथ करानी है, तो आंसर कितना आया, माइनस का वन आया, वो यहां लिख देना है। क्या करा, माइनस वन की मल्टीप्लाई वन में कराई और यहां लिख दी। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया, माइनस फोर। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब उसके बाद आपको माइनस वन की मल्टीप्लाई माइनस फोर में करानी है और यहां लिख देना है। यहां लिखने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास फोर, पॉजिटिव का फोर आएगा, माइनस माइनस प्लस। देन उसके बाद क्या करना है, अगले स्टेप में आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर आएगा माइनस का फाइव। अब आपको क्या करना है, अगले स्टेप में वन की मल्टीप्लाई इस माइनस फाइव के साथ करानी है और यहां लिख देना माइनस वन की मल्टीप्लाई, तो माइनस वन और माइनस फाइव इज इक्वल टू होता है कितना, ये होता है आपके पास प्लस का फाइव, यहाँ प्लस फाइव आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर जीरो है। जीरो आने का मतलब कि कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये संख्या इसे कंप्लीट डिवाइड कर रही है, जीरो रिमाइंडर आता है तो लास्ट में जीरो लिखा होगा। अगर रिमाइंडर कोई संख्या होगी तो यहां पर जीरो नहीं कोई संख्या आ जाएगी, तब कंप्लीट डिविजन नहीं हो रहा होगा, तब फैक्टर्स भी नहीं होंगे, ठीक है ना। फैक्टर्स करने के लिए कंप्लीट डिवीजन होना जरूरी है। तो यहां पर करना क्या है, मेरे पहले फैक्टर्स तो मुझे मिल गए, एक्स प्लस वन ये पहला फैक्टर है ना, इधर लेके आएंगे लेफ्ट में। दूसरा फैक्टर कैसे मिला, ध्यान से समझना, जब भी कभी कोई पावर यहां दे रखी हो उससे एक कम पावर हो जाती है, तीन पावर है तो एक कम दो पावर हो जाएगी, तो चार दे रखी होती तो तीन हो जाता, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए वन लिखा है, यहां वन तो नहीं लिखेंगे हम, ऐसे वन एक्स स्क्वायर लिखना था तो वन को तो मत लिखिए क्योंकि वन लिख के दिखाया नहीं जाता, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद यहां माइनस का चार लिखा है तो माइनस का चार एक्स, यहां पर माइनस का पांच लिखा है तो माइनस का पांच। अब गौर से देखेंगे क्या यही फैक्टर्स थे हमारे, देखो गौर से, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स और माइनस का फाइव, क्या आपको यही दिख रहा था, बिल्कुल सेम। और इसके बाद के फैक्टर्स आपको आते हैं करने, एक्स प्लस वन, इसके फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाएंगे, जो मैंने बार बार कराने को कहा है आपसे कि आप जरूर करिएगा, एक्स प्लस वन एंड देन एक्स माइनस फाइव, ये समझ में आया। अब हम इसे लॉन्ग डिविजन से नहीं करते, अगला क्वेश्चन है हम इसे सिंथेटिक डिविजन मैथड से करते।
तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो हम इसके कांस्टेंट वैल्यू को देखेंगे। अब इसके तो बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, ये एक के डिवीजन में होता है, दो से डिवाइड हो जाता है, तीन से डिवाइड हो, तीन से नहीं होता, चार से डिवाइड हो जाता है, पांच से डिवाइड हो जाता है, ऐसे बहुत सारी संख्या 20 तक चलते चले जाओ। हमें प्लस माइनस की संख्या लेनी है, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और पहली संख्या ढूंढेंगे। तो मैं यहां पर देखता हूं तो सारी संख्या प्लस की दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो प्लस वाला रखने का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्लस रखने से तो कभी माइनस नहीं बन सकता है ना। तो मैं क्या करूंगा, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले करेंगे एक्स की जगह पर हम रखते हैं माइनस का वन। तो माइनस का वन रखेंगे तो माइनस वन की पावर थ्री, प्लस का 13, माइनस वन की पावर टू, प्लस का 32, माइनस वन, प्लस का 20। यहां तक बात समझ में आती है? आप लिखेंगे माइनस वन की पावर थ्री मतलब की माइनस वन, माइनस वन की पावर टू मतलब की प्लस का वन और प्लस का 13, माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, माइनस 32 एंड देन प्लस का 20। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास और ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 33 प्लस का 33 जीरो। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एक फैक्टर हो सकता है, इसने इसे जीरो कर दिया है। तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे, सिंथेटिक डिविजन मैथड बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस वन और उसके बाद हम लिखेंगे इन सबके कॉफिशियंट। तो इसका कॉफिशियंट कितना है, वन है, फिर क्यूब के बाद याद रखना स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, तो इसका कॉफिशियंट कितना है, 13 है, फिर स्क्वायर के बाद एक पावर वाली टर्म आनी चाहिए, इसका कितना दे रखा है आपको, 32, और यहां पर कांस्टेंट वैल्यू 20। सपोज कर लेते हैं इसमें से एक संख्या नहीं है, सपोज कर लेते हैं कि अगर ये नहीं लिखा होता, सपोज कर लेते हैं ये संख्या ही नहीं है, डायरेक्ट लिखा है 13x² और प्लस का 20, तो बीच वाली संख्या जो नहीं है उसे आप लिखेंगे 0x की पावर 1, यानी कि 0x, यानी जो चीज नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसकी जगह पर 0 लिखना होगा, याद रहेगी बात, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मेंटेन करके रखनी है, तभी ये सिंथेटिक डिवीजन एप्लीकेबल है। तो फिलहाल तो यहां लिखा हुआ था, यहां 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तो 32 लिखा हुआ है। अब अगला स्टेप क्या था भाई, मैंने क्या बताया था आपको, अगला स्टेप ये करना है, पहले वाले को खाली छोड़ देना है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, माइनस वन की मल्टीप्लाई वन में कराएंगे माइनस वन आएगा, यहां लिख देंगे माइनस वन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, माइनस वन की मल्टीप्लाई 12 में कराएंगे तो आएगा माइनस का 12, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 एंड 2 20, फिर माइनस वन की मल्टीप्लाई 20 के साथ कराएंगे तो आ जाएगा माइनस 20, यहां पर लिखेंगे माइनस का 20, ये लिख दिया मैंने माइनस 20, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। ऑब्वियसली बात है इसको डिवाइड कर रहा है क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया, तो 0 तो आना ही। अब हमारे पास फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे x प्लस का 1 पहला फैक्टर, क्योंकि इसे इधर लेफ्ट में लेके आएंगे, दूसरा फैक्टर ये होगा, ये क्यूब था तो यहां पर पावर 2 आएगी, तो 1x² यानी कि x², फिर प्लस का 12x एंड प्लस का 20। अब इसके फैक्टर्स आपको करने हैं, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और ऐड करें तो 12 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या होती है, तो देखिए आप मल्टीप्लाई करिए, पहले इसके फैक्टर्स कर लीजिए, 10 × 2 20 और देगा 5 × 2 × 2, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 5 × 2 = 5 × 2 = हो जाएगा आपके पास 10 और 10 + 2 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और 2, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी कि इसके फैक्टर्स बना लीजिए x प्लस 1 और उसके बाद आप लिखिए ब्रैकेट x² प्लस का, इस 12 को लिखेंगे 10x प्लस का 2x प्लस का 20 = 0, और आगे वाली संख्या में से कॉमन ले लीजिए और पीछे वाली संख्या में से कॉमन ले लीजिए तो फैक्टर बन जाएगा। तो सिंथेटिक डिवीजन ज्यादा बेहतर लग रहा होगा आपको, हालांकि छोटी क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन ही सिखाया जाता है, ये सिंथेटिक डिवीजन ग्रेजुएशन में बच्चों को सिखाया जाता है, बट अब आपने तो कॉमनली सीख लिया है तो ये मेथड ज्यादा बेहतर है, आप इसे यूज कर सकते हैं, इसे लॉन्ग डिवीजन से भी किया जा सकता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस बार मैंने वेरिएबल्स चेंज कर दिए, m लिख दिया। सिंथेटिक डिवीजन से करने की कोशिश करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, 4 लिखा हुआ है, इस 4 को क्या करने वाले हैं हम, इसके मल्टीपल्स ढूंढेंगे। तो मल्टीपल्स कैसे मिलेंगे, एक मिल सकता है, दो मिल सकता है, 4 इसी पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में 4 आता है, दो के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है, तो हम एक एक करके वैल्यूज रखते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो आ जाएगा 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 3 माइनस का 9 × 1 की पावर 2 माइनस का 11 × 1 माइनस का 4। सॉल्व करेंगे तो 1 − 1 − 9 − 11 − 4 ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो 0 नहीं आ रहा। फिर उसके बाद x = −1 रखेंगे तो देखो हर जगह माइनस वन रखिए, −1 की पावर 4 माइनस का −1 की पावर 3 माइनस का 9 − 1 का स्क्वायर माइनस का 11 − 1 और माइनस का 4।
सॉल्व करेंगे तो ये संख्या तो प्लस की आएगी वन, क्योंकि भाई पावर में जो है इवन नंबर है, ये संख्या पावर में ओड नंबर है तो माइनस का वन होगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का वन। यहां पर आपको स्क्वायर दे रखा है यहां पर पावर में, तो ये प्लस का हो जाएगा और माइनस है तो माइनस का नाइन। उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास प्लस का इलेवन माइनस का फोर। आप देखेंगे ग्यारह और एक बारह और एक तेरह, नौ और चार को जोड़ेंगे तो तेरह, तेरह में से तेरह गया तो जीरो, यानी कि फैक्टर्स करने का ये। लेकिन देखिए अभी इत्तेफाक से मैंने तीन क्वेश्चंस आपको कराया और तीनों में x इज इक्वल टू माइनस वन ने जीरो किया, ये इत्तेफाक है। अदरवाइज कोई भी संख्या जीरो कर सकती है, कोई भी पहली संख्या आप ले लीजिए जो इसे जीरो करती होगी, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि माइनस वन ही रखिएगा। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ने इसे जीरो किया तो इसका एक फैक्टर हो गया एक्स प्लस का वन, ये इसका एक फैक्टर है। ये आप इसे सिंथेटिक डिवीजन से कैसे करेंगे, इसका दूसरा फैक्टर ढूंढना है हमें। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे माइनस का वन और उसके बाद हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, हम यहां पर लिखेंगे कॉफिशियंट ऑफ दिस, ये है वन, कॉफिशियंट ऑफ दिस ये है माइनस वन, कॉफिशियंट ऑफ दिस दिस इज माइनस नाइन, कॉफिशियंट लिखेंगे तो माइनस इलेवन एंड देन माइनस का फोर। उसके बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है एंड देन ये तो डैश छोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ेंगे वन आएगा, गुणा कराएंगे तो माइनस का वन आएगा, इधर लिख देंगे माइनस वन, सॉल्व करेंगे तो माइनस का टू आएगा। सॉल्व मतलब समझ में आ रहा है ना, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस वन और माइनस टू की मल्टीप्लाई टू होती है, टू लिख देंगे यहाँ, सॉल्व करेंगे तो माइनस का सेवन आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेवन हो जाएगा पॉजिटिव का, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास फोर माइनस का, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने के बाद प्लस का फोर हो जाएगा, यहाँ प्लस का फोर, सॉल्व करेंगे जीरो। संख्याएं आपके सामने है, तरीका मैंने आपको बता दिया है, सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं इसे। x प्लस वन इसका एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर क्या होगा, पावर कितनी है चार, तो आप लिखेंगे यहाँ एक है तो x की पावर थ्री, माइनस का ये लिखेंगे टू एक्स की पावर टू, फिर उसके बाद माइनस का सेवन एक्स, फिर उसके बाद प्लस का फोर, प्लस का नहीं है माइनस का लिखा हुआ है, गौर से देखेंगे एक, ये देखिए माइनस का है, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद फिर से वही काम दोबारा से रिपीट करना है। आपके सामने क्या लिखा हुआ दिख रहा है फोर, तो कौन सी संख्या इसको जीरो करेगी, ये तो हमने अभी किया था क्यूबिक वाला, तो हम इसे जीरो करने के लिए ढूंढेंगे संख्या। तो अगर मैंने एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक ढूंढ लिया यहां रखा तो कितना हो जाएगा आपके सामने, अगर माइनस का एक रखा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक की पावर थ्री, फिर माइनस का टू इंटू माइनस एक की पावर टू, फिर माइनस का सेवन इंटू माइनस वन और उसके बाद माइनस का फोर। सॉल्व करेंगे तो माइनस वन और माइनस का टू और प्लस का सेवन और माइनस का फोर, चार दो छह और एक सात, माइनस सात प्लस का सात, तो फाइनली आंसर कितना आ गया जीरो। तो किसने इसे जीरो किया, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है, तो हम इसे लिखेंगे यहां पर इस तरीके से कुछ, ये हम लिखेंगे ऐसे माइनस वन, उसके बाद इस तरीके से बना देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसका कॉफिशियंट लिखेंगे माइनस वन, देन कॉफिशियंट लिखेंगे माइनस टू, देन कॉफिशियंट लिखेंगे माइनस का सेवन, देन माइनस का फोर। आप अंडरलाइन कर दीजिए और क्या करेंगे, आप यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखेंगे, देन उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का वन आएगा, सॉरी माइनस वन नहीं है ये, इसका कॉफिशियंट तो प्लस का वन है तो ये प्लस का वन ही रहेगा, सॉरी, तो यहाँ पर ये प्लस वन आएगा और प्लस वन आने के बाद माइनस टू माइनस सेवन, ठीक है। तो इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा वन, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस का वन, माइनस वन को सॉल्व करेंगे इसके साथ तो माइनस थ्री, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा थ्री, सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का फोर, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा फोर एंड सॉल्व करेंगे तो आएगा जीरो। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो आप क्या करेंगे देखिए, इसमें आप इसके फैक्टर्स कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पहला फैक्टर तो एक्स प्लस वन है ही, फिर इसका इस वाली संख्या का एक फैक्टर निकल के आया था हमारे पास एक्स प्लस वन, ओके, देन उसके बाद दूसरा फैक्टर निकल के आएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा क्यूब था ना, ये देखो क्यूब, तो यहाँ पर वन की जगह पर हम लिख देंगे वन से लेके लिखेंगे हम वन एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस का थ्री एक्स माइनस का फोर, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर्स करेंगे तो आप वही तरीका सिंथेटिक मेथड फिर लगा सकते हैं, लेकिन हमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी आता है कि मल्टीप्लाई करें तो चार आए और घटाए तो तीन आए, ऐसी कौन सी संख्या होती है। तो एक्स प्लस का वन, देन एक्स प्लस का वन, देन उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का, इस तीन की जगह पर लिख देंगे माइनस का चार माइनस का एक एक्स माइनस का फोर। सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस का वन, देन एक्स प्लस का वन, देन उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का एक्स माइनस का फोर, ओके, उसके बाद एक्स प्लस का वन, देन एक्स प्लस का वन, देन उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस का फोर प्लस वन कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस का फोर एंड देन फाइनल आंसर इज एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एंड देन x minus 4. This is the final answer. तो process मैंने आपको समझाया students, कैसे आप अलग अलग method से solve करके निकाल सकते हो। I hope कि आपने मेरे साथ साथ copy किया होगा। ये चार के चार method है जिसमें से मैंने इसको अलग लिखा है क्योंकि ये method बहुत ही अच्छा method था और I hope कि आपको student factor करने के वो सारे process समझ में आ गए।
अब आपके सामने कैसी भी प्रॉब्लम दे रखी हो पॉलिनोमियल से रिगार्डिंग, आप उसके फैक्टर्स कर सकते हैं। स्टेप्स आप याद कर लीजिए, पहले कॉमन लेके चेक करेंगे क्या कुछ कॉमन आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो कोई एक फॉर्मूला लग रहा है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला, नहीं लग रहा तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे मिडिल टर्म स्प्लिट से किया जा सकता है, अगर वो क्वाड्रेटिक है और मिडिल टर्म स्प्लिट से भी नहीं हो सकता तो फिर हम देखेंगे क्या उस पर डिस्क्रिमिनेशन मैथड लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगता है। और उसके बाद अगर क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, कोई भी इक्वेशन है तो उसे डिवीजन मेथड से करेंगे, और डिवीजन मेथड में दो मेथड होते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कंप्लीट बात बता दी है, आई होप कि इससे आप बेनिफिट लेके और अलग अलग जगह पर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, आपकी क्लास में हर चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। Thank you.